हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ इस वीक खुलने वाला है जिसका नाम होने वाला है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कहीं ये आईपीओ उदय शिव कुमार इंफ्रा वर्जन 2.0 तो नहीं होने वाला है, बिकॉज हमें उदय शिव कुमार इंफ्रा आईपीओ में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली थी और वहां पर 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिला था। ऑल दो काफी ज्यादा अच्छा आईपीओ होने वाला था और अभी तक उसका कट ऑफ प्राइस नहीं आया। स्टार्टिंग में हमें एक दो दिन में एक बार कट ऑफ प्राइस देखने को मिल चुका था, लेकिन उसके बाद वो उसका रेजिस्टेंस बन चुका था, यानी कि सप्लाई एरिया बन चुका था, जिसकी वजह से वो अपने उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे। लेकिन आज के दिन हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस आईपीओ को और वहां पर इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलने वाले हैं। और उसी के साथ साथ इस वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आईपीओ का लव ट्रायंगल शो। तो विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड लेके आ रही है अपना ये आईपीओ। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपना पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो इस आईपीओ को मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से HNI कैटेगरी में अप्लाई करने का प्रोग्राम तय कर चुका हूं। ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव। आपका जो भी डिसीजन हो पहले इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 1986 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो एक ऐसा सेक्टर जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है और आने वाले टाइम में, आने वाले 5 से 10 सालों में इस सेक्टर का काफी ज्यादा स्कोप भी रहने वाला है, वो होने वाला है इसका बिजनेस डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है हमारे इंफ्रा सेक्टर के लिए। अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी काम करती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है ऑटोनोमस बॉडीज एंड प्राइवेट बॉडी। अगर हम बात करें तो ये कंपनी 9 states और 1 UT में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुकी है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। अगर हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो मेनली इनका बिजनेस 4 categories में डिवाइडेड है। पहला होने वाला है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, सेकेंड होने वाला है रेलवे प्रोजेक्ट, थर्ड होने वाला रोड प्रोजेक्ट एंड फोर्थ होने वाला इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट। मतलब कि अगर हम सिंपल कंपनी के काम की बात करते हैं तो एक ऐसा एरिया जो काफी ज्यादा आने वाले टाइम में ग्रो करने वाला है। और अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या हम कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करते हैं, जहां पर गवर्नमेंट इंक्लूडेड है, जहां पर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी इन्हें दिए जाते हैं, और उसी के साथ साथ एक ऐसा एरिया जहां पर चाहे वाटर सप्लाई के रिलेटेड हो गया, या रेलवे का हो गया, या रोड का हो गया, या फिर इरिगेशन नेटवर्क हो गया, काफी ज्यादा आज के टाइम पे ये फोकस रहने वाला है। मतलब कि कंपनी का काम एक क्लास होने वाला है, इस चीज में कोई भी दोराई नहीं है। जहां पर कंपनी कुछ वेरियस रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो और जो कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इन्हें 2021 में अवार्ड भी मिला था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसी के साथ साथ इनको एक और अवार्ड मिला था 2002 में, जो PhD राजस्थान के द्वारा मिला था। अब अगर हम कंपनी के मेन चीज फाइनेंशियल्स पर चलते हैं तो अगर आप लोग फाइनेंशियल चेकआउट करोगे तो वो भी हमें जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। असेट्स की अगर हम बात करते हैं 2021 में थे 330 करोड़, जो 2023 में पहुंच चुके थे 825 करोड़, ऑलमोस्ट 3x के करीब का हमें यहाँ पर इजाफा देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव होने वाला है। रेवेन्यू 487 करोड़ से 1170 करोड़ तक, जहां पर भी डबल से ज्यादा की हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, फिर से पॉजिटिव होने वाला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19 करोड़ से 90 करोड़ तक पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट 4x से ज्यादा जहां पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला, जो एक जबरदस्त पॉइंट होने वाला है। नेटवर्क की बात करते हैं तो वो भी हमें अच्छी खासी इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है, 113 करोड़ से 314 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस भी हमें आज के टाइम पे 220 करोड़ के करीब के देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव होने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर हम टोटल बोरोइंग्स की बात करते हैं तो वहां पर भी 110 करोड़ से 250 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल इतने अच्छे हैं और सेक्टर ऐसा है जहां पर बोरोइंग्स की हमें जरूरत पड़ने वाली, बिकॉज लगातार कैश आउटफ्लो होता जाता है, तो इसलिए वहां पर बोरिंग बेशक बड़ी है लेकिन वो हमारे लिए पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन हम अगर ओवरऑल में बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो एक क्लास हमें जहां पर भी फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट अगर हम डेट्स की बात कर लेते हैं आईपीओ की, तो 24 अगस्त को जी आईपीओ ओपन होने वाला है, 28 अगस्त को क्लोज होगा।
अलॉटमेंट मिलेगी 31 अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 1 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इफ अलॉटेड 4 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 5 सितंबर की। और अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करते तो 150 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 14,850 रुपीज की। एक लोट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवरसब्सक्राइब होने वाला है। अगर हम स्मॉल एक्चेंज में बात करते तो वहां पर हमें 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट हमें पड़ जाएगी 2,07,900 रुपीज। बिग एक्चेंज में 68 लोट्स हो जाएंगे और अमाउंट पड़ जाएगी 10,09,800 रुपीज की। कुछ और डिटेल्स की बात करें तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू, प्राइस बैंड होगा 94 से 99 रुपीज का, हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस यानी कि 99 रुपीज। लोट साइज होगा 150 शेयर्स का, टोटल इश्यू साइज होगा 308 करोड़ का। एक तो छोटा आईपीओ जो पॉजिटिव हो जाता है, और उसी के साथ साथ पूरा का पूरा रहने वाला है फ्रेश इशू, जो फिर से एक अनदर पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास हो जाता है। एम्प्लॉयज को डिस्काउंट मिलेगा 9 रुपीज पर शेयर का, बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। कोटा की अगर हम बात करें तो 50% का क्वालिफाइड का, एचएनआई का 15% का और रिटेल कैटेगरी का 35% का होने वाला है। अगर हम आईपीओ के प्रमोटर्स की बात करते तो विष्णु प्रकाश, मिस्टर मनोहर लाल, मिस्टर संजय कुमार, मिस्टर कमल किशोर एंड मिस्टर अजय पुंगारी ये कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग होगी 90.45% की और पोस्ट इश्यू रह जाएगी 67.81% की। ओवरऑल अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो अभी तक हमें कंपनी में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, जहां पर इनको परचेज करनी है इक्विपमेंट और मशीनरी। और सेकंड होने वाला इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कंपनी के लिए। और थर्ड होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। लेकिन इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की अगर हम कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो वहां पर आरओसी निकल कर आती है 33.72% की, जबरदस्त समय देखने को मिल रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.82, ये भी अच्छी रहने वाली है। ईपीएस 10.41, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 38.31%, एक अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के पीयर टू पीयर कंपैरिजन में चलते तो इसकी पीई रेशियो निकल कर आती है 9.5 की। अगर आप देखोगे बाकी कंपनी से तो एक अच्छी पीई, एक सस्ती वैल्यूएशन पर ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगर हम पीयर टू पीयर में देखते तो पीएनसी इंफ्रा जिसकी पीई निकल कर आती है 13.48 की, एचजी इंफ्रा पीई रेशियो 12.56, एनसीसी 16.24 की, आरवीएनएल 18.22 की, आईटीडी सीमेंटेशन 25.62 की। मतलब कि अपने पीयर के कंपैरिजन में ये एक अच्छे वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी की तरफ से कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं निकल कर आ रहा है। जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो है उदय शिवकुमार इंफ्रा आईपीओ, बिकॉज वहां पर काफी ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं लोगों के, क्योंकि एक अच्छा आईपीओ होने के बावजूद भी आफ्टर ऑल में वो डिस्काउंट में खुला और वहां पर लोग अभी भी उस आईपीओ में फंसे पड़े हैं। देखो 2 से 3% केस ऐसे रहेंगे जहां पर हमें अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होते हुए देखने को मिल सकती हैं, तो ऐसा ही वहां पर भी एक केस हमें देखने को मिला है। लेकिन जब तक वो 35 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा वहां पर सप्लाई खत्म नहीं होगी, हमें वहां पर मूव देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इसकी जीएमपी की बात कर लेते हैं, आज के टाइम पे इसका जीएमपी 54% के करीब का चल रहा है, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। मैं अपना पर्सनल डिसीजन इसमें दे चुका हूँ एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव। आप लोगों का क्या रहने वाला है डिसीजन वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।